हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुलॉम्स लॉ पर। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, एक्चुअली कुलॉम्स लॉ क्या करता है, जो दो चार्ज है पॉइंट चार्जेस उनके बीच का इंटरेक्शन डिस्कस करता है। इंटरेक्शन, दो चार्ज है हमारे पास पॉइंट चार्ज, ठीक है, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगी और फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर रिपल्सिव हो सकती है। और अट्रैक्टिव कब होगी, जब दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज है तब अट्रैक्टिव होगी, और जब दोनों चार्ज लाइक चार्ज है तब क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, जब साइज जो है चार्ज का वो बहुत ही स्मॉल हो इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो उसे कहते हैं पॉइंट चार्जेस। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मान लीजिए आई में चार्ज, और बहुत ही दूर एक और व्यक्ति खड़ा है, वो अनदर चार्ज होगा, तो क्योंकि हमारा साइज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या कम है, तो हम भी इस समय पॉइंट ही कंसीडर किए जाएंगे। तो ये यहां पर पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, लेट से क्यू वन एंड क्यू टू। इन दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो है आर। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, एंड फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सो द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी कि जो फोर्स जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट की, दैट इज Q1 Q2, पहली बात। दूसरी बात क्या कही, फोर्स जो लगेगी इन दोनों चार्ज पर वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के, R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 1 ओवर R स्क्वायर। तीसरी बात क्या कही इसने, कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो अलोंग द लाइन होगी, किसके अलोंग, जो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, यानी कि ये जो लाइन है इसके अलोंग फोर्स लगेगी। जैसे कि मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब क्यू वन पर क्यू टू की तरफ फोर्स लग रही है, तो वो क्या होगी, इधर साइड लगेगी। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो वो इधर साइड लगेगी। तो हम देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन वो क्या है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस, तीसरा पॉइंट इसमें ये आ रहा है। तो इन दोनों का हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगी, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, दैट इज के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये होगी हमारी फोर्स अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, ठीक है। तो अगर हमें कुलॉम्स लॉ डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखे, तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कुलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस एंड the direction of force will be along the line joining the center of two charges, इसकी definition लिख सकते हैं। अगर हम इस k की बात करें, k क्या है यहां पर, ये k हमारा depend करता है medium पर। अगर free space में दो charge रखें तो k की value क्या होती है, ये medium change कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच में जो force लगेगी वो depend करेगी k पर, क्योंकि k depend कर रहा है हमारा medium पर। तो k कैसे medium पर depend करता है, के की जो वैल्यू होती है वो हम जनरली जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लेते हैं, वो क्या लेते हैं, वन ओवर फोर पाई एफ साइलेंट नॉन। और एफ साइलेंट जो होता है ये होता है हमारा परमिटिविटी होती है, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, ठीक है। अगर इन सबकी हम वैल्यू पुट करें तो जो के की वैल्यू निकल के आती है फ्री स्पेस के लिए वो आती है हमारी 9 इंटू 10
10 टू द पावर 9, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इधर देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन आ गया। इसको इधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर है और आर क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर चार्ज है, चार्ज क्या होती है सी यानी कूलम, तो ये क्या हो जाएगा पर कूलम स्क्वायर। ये होती है के की वैल्यू किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अब ये मीडियम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो केवल फ्री स्पेस है। एक्चुअली ये जो हम लेते हैं एफ साइलन नोट नहीं होता, ये होता है एफ साइलन, पर एफ साइलन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि होती है एफ साइलन इज इक्वल टू एफ साइलन नोट इंटू एफ साइलन आर। ये होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की वन होती है, इसलिए इसकी वैल्यू ये वन रखेंगे यहां पर, तो जो ये आई परमिटिविटी ऑफ द स्पेस क्या आ जाएगी ये, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम में दिया होगा तो उसके लिए उसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी दी होगी, उसको हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करके जब जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू रखेंगे तब हमारी के की वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कूलॉम्ब लॉ में जो फोर्स हमने निकाली है उस फोर्स को देखते हैं हम इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स क्या है हमारी, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी जो हमने फोर्स निकाली थी यहां पर कैलकुलेट की थी, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि फोर्स क्या डायरेक्शन होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है और अभी सिर्फ क्या है ये इसका मैग्नीट्यूड है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी हमने बताया था जो दो चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू वन अनदर चार्ज क्यू टू, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर, और अभी मैंने बताया था कूलॉम्ब लॉ में क्या कहा उसने, जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो क्या होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस, यानी कि ये डायरेक्शन होगी या फिर ये डायरेक्शन होगी, होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वन होता है, तो अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर का वन है। जैसे कि मान लो हमारे पास टू है और एक है हमारे पास यूनिट वेक्टर वन साउथ डायरेक्शन, अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इन साउथ डायरेक्शन, मीटर है मान लीजिए डिस्टेंस तो टू मीटर साउथ, तो क्या हो गया ये क्या है स्केलर हमारी वेक्टर में कन्वर्ट होगी भाई मल्टीप्लाइंग यूनिट वेक्टर। सो इसलिए हमें यहां पर एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं वो आर डैश आर कैप, आर कैप क्यों लिया, क्योंकि जो डायरेक्शन क्या है फोर्स की अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस चार्ज, और वो लाइन क्या आर है, तो जो आर की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसलिए हमने क्या लिखा आर कैप। और आर कैप क्या होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर हमें निकालना होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन, अब उसको और अच्छे से देख लेते हैं। मेन चीज क्या बताई मैंने यहां पर, जो फोर्स है वो हमारा सिर्फ इतना क्या था मैग्नीट्यूड था, उसमें हमने किसी यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई की, क्यों ताकि उसे वेक्टर बना सके, और आर क्या है हमारा वही डायरेक्शन है जहां पर फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसलिए हमने आर कैप से मल्टीप्लाई कर दी, और आर कैप कैसे निकाल दे कोई भी यूनिट वेक्टर, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे हम, जैसे कि टू मीटर इन साउथ डायरेक्शन, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना हमें तो इसमें क्या करें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वन मीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो ऐसे निकाल दे। अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं, दो चार्ज है हमारे पास क्यू वन क्यू टू, वन जो टू पर फोर्स लगाया गया है, टू पर वन के द्वारा जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं हम एफ टू वन, इससे डिनोट करते हैं एफ टू वन, यानी टू पर वन के द्वारा वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर
अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, क्यू वन जो क्यू टू पर फोर्स लगाएगा वो किधर साइड लगाएगा, इस तरफ, यानी आर की जो डायरेक्शन लें हम वो कैसे लें, इससे इधर से इधर की साइड। तो ये जो आर की डायरेक्शन होती है इधर से इधर, इसको कहते हैं हम आर वन टू, वन से टू की तरफ। तो यहां पर हम क्या लेंगे, आर वन टू इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या था आर स्क्वायर और वो क्या था मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने ये लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, उसके यूनिट वेक्टर से, ठीक है। ऐसे ही वन पर जो टू के द्वारा फोर्स लगेगी, इस चार्ज पर इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगी उसको डिनोट करेंगे एफ वन टू। अब ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर साइड होगी, इधर साइड होगी, यानी हम आर जो लेने हैं इधर साइड लेना पड़ेगा हमें आर की जो डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है आर की डायरेक्शन। तो आर की डायरेक्शन इधर लेंगे, इधर आर की डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा, आर टू वन, टू से वन की तरफ आर की डायरेक्शन। तो अब यहां क्या हो जाएगा, ये के क्यू वन क्यू टू आर टू वन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टू वन यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगी हमारी फोर्स।